हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र और अंशु ब्लॉक में आपको स्वागत करता हूं। मैं आया हूं गोल्डन बीच, जो कि गुजरात में है। उसका खासियत क्या है, ये कितने साल पुरानी है, कितना लंबाई है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इसका नाम क्यों गोल्डन बीच रखा हुआ है, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। ये जो ब्रिज बनी हुई है नर्मदा नदी का ऊपर है, इसका ऊपर कितना ट्रैफिक रहता है और शाम के टाइम पे कितना भीड़ रहता है, वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और मेरे साथ पूरा बनी रहिए। चलो मैं आप लोग को पूरा ब्रिज दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं अभी ब्रिज का अंदर आ चुका हूँ। अभी ब्रिज का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है नर्मदा नदी का ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज का नाम क्यों गोल्डन ब्रिज है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि ब्रिज के बारे में पूरा जानकारी आप लोग को दे सकूँ। ये जो ब्रिज है 140 साल पुराना ब्रिज है। ये 1877 में शुरू हुआ था और 1881 में खत्म हुआ था, और उसका जो लंबाई है 1.5 किलोमीटर से ज्यादा ही है। ब्रिज का नाम क्यों गोल्डन ब्रिज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्रिज में इतना लोहा लगा हुआ है, पहले के ज़माने पे ये सोने का बराबर था, इसलिए उसका नाम गोल्डन ब्रिज है। आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है चारों तरफ और नीचे पूरा लोहे में बना हुआ है। और उसका राइट तरफ देख सकते हैं, नया ब्रिज चालू हुआ, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए ब्रिज नया बन रहा है। और मेरा लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये ट्रेन लाइन का ब्रिज है। यह है शाम का नज़ारा, आप देख सकते हैं अभी शाम होने वाला है। देखिए नर्मदा नदी का नज़ारा ये ब्रिज के साथ कैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये नज़ारा शाम के टाइम पे बहुत देखने में मज़ा आता है, और इसका ब्रिज का चौड़ाई बहुत कम होने के वजह से गाड़ियाँ रुक जाता है, देख लीजिए आप, क्योंकि बीच में कोई साइकिल या बाइक वाला आ जाते हैं, गाड़ी का लंबाई ऐसे ही दूर तक लंबी जाता है, क्योंकि कोई बीच में फंस जाता है। अभी मैं साइकिल से आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है। ये नीचे का तरफ आप देख सकते हैं, शाम के टाइम पे सब घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ का नज़ारा देखने में दिल को सुकून मिलता है। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी का लाइट में कितना अच्छा उसका जो झलक, इसका नाम इसलिए गोल्डन ब्रिज रखा हुआ है, देखो सोने का जैसा दिखता है।
वीडियो अहीं तक था। आई होप सो इस वीडियो आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगी है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में थी घंटी बटन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।